जब मैंने पहली बार बर्फ की चादर से ढकी हुई इस जगह की फोटो देखी थी तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये इंडिया में है। मेरी एक एक्स कोलीग थी बद्रीनाथ की और तब नया नया स्मार्टफोन का जमाना था। उसी ने अपने फोन में मुझे ओली के फोटोज दिखाए थे और उसके बारे में बताया था और तब से ओली मेरे बकेट लिस्ट में था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2018, आई वॉज प्लानिंग फॉर ओली और मेरा रिसर्च स्टार्ट हो गया। By the way guys, I am Shatabdi and you are watching the Indian Travel Diaries. ओली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की रोड्स काफी अच्छे कंडीशन में हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने से ऋषिकेश पहुँच सकते हैं बाई ट्रेन या फिर देहरादून के जॉली ग्रांड एयरपोर्ट तक बाई एयर। देहरादून और ऋषिकेश से आपको बस या कैब मिलेगी जोशीमठ तक के लिए, और जोशीमठ से ओली तक आपको जाना पड़ेगा रोपवे से। अगर बर्फ बहुत ज्यादा होती है तो जोशीमठ से ओली तक का रास्ता बंद रहता है एंड रोपवे इज द ओनली वे टू रीच ओली। आप ओली रोपवे की प्री बुकिंग कर सकते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड आई वुड एडवाइज प्री बुकिंग क्योंकि जनवरी 2020 में हम दोबारा जोशीमठ गए थे लेकिन हम ओली तक पहुँच नहीं पाए थे। टिकट्स अवेलेबल नहीं थी एंड बर्फ की वजह से रास्ता बंद था। सो ओली अगर आप प्लान कर रहे हैं तो पहले से ऑनलाइन रोपवे टिकट्स बुक कर लीजिएगा, सो दैट वहाँ पे जाके ऑन स्पॉट अगर टिकट्स ना भी मिले तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बताऊंगी मैं आपको ओली में रहने की जगह के बारे में। ओली में GNVN यानी कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के दो प्रॉपर्टीज है, ओली स्की रिजॉर्ट एंड ऑल्सो नंदा देवी इको हट्स। दोनों गवर्नमेंट मेंटेन है एंड दोनों अच्छे है। नंदा देवी इको हट से व्यूज कंपैरेटिवली बेटर है। हम रुके थे स्की रिजॉर्ट में। अगर आप स्की रिजॉर्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो क्लिक ऑन दी आई बटन। GNVN के अलावा यहाँ पे एक प्राइवेट रिजॉर्ट भी है, दी क्लिफ टॉप क्लब। अगर इन तीनों में आपको बुकिंग नहीं मिलती है या फिर आपको ये एक्सपेंसिव लगता है, देन यू कैन चूज टू स्टे एट जोशीमठ एंड जोशीमठ से आप ओली घूम के वापस आ सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर अ बजट ट्रैवलर लाइक मी, ओली इज एन एक्सपेंसिव प्लेस। जोशीमठ ऑन द अदर हैंड हैज मेनी ऑप्शंस ऑन वेरियस बजट रेंज एंड जोशीमठ में रह के बाई रोड पे या फिर अगर रास्ते ओपन है तो बाई रोड आप ओली जा सकते हैं। ओली में आप कुछ एक्टिविटीज भी कर सकते हैं जैसे कि स्कीइंग, बी इट बिगिनर और एडवांस लेवल। इसके अलावा गुड़सो बुग्याल तक आप हाइक कर सकते हैं या फिर सिंपली बर्फ का आनंद ले सकते हैं। डेडिकेटेड वीडियोस देखने के लिए चेक दीज आउट। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस ब्लॉग्स के जरिए आप सबसे शेयर करती हूँ और इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाती हूँ ट्रैवल प्लानिंग में आपकी मदद के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।